अक्सर हमें जो भी चीज मिलता है उसे हम लोग लेने में थोड़ी बहुत देरी कर देते हैं। थोड़ा देर हो जाती है हम लोग को, या हम लोगों को समझ में नहीं आती है कि परमात्मा हमारे लिए क्या लाए हैं, क्या भेजे हैं। उसे समझने में हम लोगों को कुछ कठिनाई हो जाती है। कभी काल हम लोग अपने में खो जाते हैं, उनको याद करना भूल जाते हैं और अपने कामों में मगन हो जाते हैं। और इतना मगन हो जाते हैं कि जो चीज भी मिलता है हम लोग उसके बारे में नहीं जानते और वो आसानी से गंवा देते हैं। सत्संग जी, वैसे ही एक मछुआरा नदी के किनारे आ पहुंचा था। अभी सुबह भी नहीं हुई थी और वो मछली मारने के लिए नदी के किनारे जा पहुंचा था। अभी पूरा रात था, सूरज भी नहीं निकला था और वो नदी के किनारे जा पहुंचा था। थोड़ी देर वहां बैठता है और बैठकर देखता है कि कहां कहां मछलियां उछल पुछल कर रही है। कुछ देर बाद वहां बैठ के देखने के बाद वो खड़े होकर थोड़ी टहलने लगता है। टहलने लगता है तो उसका पैर एक झोले से टकराता है। जब झोले से टकराता है तो वो अचानक तलमला जाता है मछुआरा, और तलमला कर पीछे मुड़कर देखता है तो एक झोला है। उस झोले में पत्थर भरे हुए हैं। जब उस झोले के पत्थर में देखता है तो पत्थर है। उसे अंधेरा में तो कुछ दिखाई नहीं दिया कि उसमें पत्थर ही है। अचानक वो झोले उठाकर नदी के किनारे फिर बैठ जाता है। उस झोले से एक-एक पत्थर निकाल करके नदी में फेंकने लगता है। वो एक एक नदी में फेंकने लगता है पत्थर, तो नदी में आवाज आती है छपाक छपाक की। वो और खुशी होकर उस नदी में वो पत्थर फेंकने लगता है और फेंकते फेंकते सूरज निकल आती है। जब सूरज निकल आती है कुछ रोशनी उसके हाथ पे पड़ती है तो उसका हाथ में लास्ट ही पत्थर बचा हुआ था। वो आखिरी पत्थर उसके हाथ में बचा हुआ था और झोले के सारे पत्थर पानी में फेंक दिए थे। जब उसके हाथ में वो आखिरी पत्थर देखता है तो उसकी धड़कनें रुक जाती है। वो अचानक उसकी धड़कनें रुक जाती है। जब हाथ पर उसका नजर पड़ता है तो वो पत्थर नहीं, हीरे जेवरात थे। और वो झोले के सारे हीरे जेवरात नदी में के पानी में फेंक चुका था। उसे याद आया कि ये हमारे लिए कुछ परमात्मा की देन थी जो हमने गंवा दिया। आपने किस चीज का गंवा दिया? आपको क्या लग रहा था? अपने मगन में इतना खो जाओ कि आपको कुछ याद नहीं रहे और जो भी मिले उसे गंवा दें, क्योंकि आप अपने ही अपने मगन में रहते हैं और उस मगन में खो जाते हैं कि जो भी मिलता है परमात्मा की तरफ से वो मिला हुआ चीज भी आप गवा देते हैं। क्या चीज का नफरत है? क्या चीज आप चाहते हैं? तो साथ संग जी, आपको ये छोटी सी साखी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।